मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने इस बड़े किसान वर्ग को दी बड़ी खुशखबरी, अब इनका पारिश्रमिक बढ़ाया। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों को दी गई एक और बड़ी सौगात के विषय में। क्या पूरा मामला है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, इससे तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों को दी गई बड़ी सौगात से। क्या पर मामला आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य शासन ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर में 500 रुपए प्रति मानक बोरा की वृद्धि की है। अब संग्राहकों को 2000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। संग्राहकों को पारिश्रमिक और बोनस का नगद भुगतान किया जाएगा। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार ने अपने वचन पत्र में वनोपज संग्रहालयों से किया गया वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पारिश्रमिक में 500 रुपए की वृद्धि किए जाने के संग्राहकों को आगामी सीजन में 110 करोड़ रुपए से भी अधिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से 33,12,000 संग्राहक लाभान्वित होंगे और लगभग 22 लाख तेंदुपत्तों मानक बोरा प्रति तेंदुपत्ता संग्राहक संभाग का होगा। वन मंत्री श्री सिंघार ने बताया है कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के तेंदुपत्ता संग्राहकों को ई पेमेंट सिस्टम से बहुत परेशानी थी। संग्राहकों को इस बार 15 से 20 किलोग्राम तक का सफर तय किलोमीटर तक का सफर तय कर बैंक तक पहुंचना पड़ता था। ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं जिनमें राशि की भी कम ही रहती है। संग्राहक अक्सर अपना काम का छोड़कर जब शाम तक बैंक पहुंचते थे तो राशि खत्म हो जाने के कारण इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। वन मंत्री ने बताया है कि अब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहले से ही गाँव में जाकर संग्राहकों को भुगतान के लिए निर्धारित दिन और समय की सूचना देंगे। निर्धारित समय पर नोडल ऑफिसर वहां जाकर उन्हें नगद भुगतान करेंगे, इससे संग्राहक को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वन विभाग खुद संग्राहक के पास पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि तेंदुपत्ता संग्रहालय वर्ष 2018-19 14,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रह किया गया था। संग्राहकों को 2000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से 382.80 करोड़ संग्राहक पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। इससे एक माह में 1.25 करोड़ मानक दिवस पर का सृजन हुआ था। कहती कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मौसम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों को दी गई बड़ी सौगात से विषय में कुछ जानकारी है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें, और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर आज जोड़ते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।